बीटीवी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। अभी गणपति है, उसके बाद नवरात्र आएगा, तो नवरात्र ये कोरंबी का जो मंदिर है यहाँ पर नवरात्र की किस तरह से तैयारी चल रही है? घट रही है। तो इससे इसके लिए हम ये जो मंदिर के पुजारी हैं इनसे बात करते हैं। तो अभी किस तरह की तैयारी चल रही है नवरात्र के लिए? नवरात्र की तैयारी भरपूर मतलब काफी प्रमाण में अच्छी चल रही है। अच्छा। और अभी जैसे पोलासन आता है श्रावण मास में। हाँ। इस पोलासन से अभी यहाँ पे तकरीबन 350 ज्योति कलश या 500 ज्योति कलश होते हैं, तो 500 ज्योति कलशों का भी मतलब एकत्र उनका क्या बोलते हैं नमूद होगा, किसके नाम रहेंगे क्या रहेंगे, तो पूरा अभी हम एक बुक में डिटेल रखेंगे। और फिर जाके जो भी है नवरात्र का जो लाइटिंग का है या फिर कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हैं, इन सब का हमको एक महीने पहले से हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता, तैयारी करने करना पड़ता है। और अभी सब ठीक चल रहा है, तैयारी भरपूर प्रमाण में धीरे धीरे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी नवरात्र की तैयारी अभी से शुरू हो गई है? शुरू। और क्योंकि इस साल जो अभी कोरोना चला गया है तो अभी सब मंदिर वंदिर खुले हुए हैं, तो अभी बड़े लेवल पे नवरात्र का त्योहार मनाने वाले हैं, तो इसलिए इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो हम आगे बताते जाएंगे कि धीरे धीरे किस तरह से नवरात्र की तैयारी चल रही है, क्योंकि कोरंबी में नवरात्र में बहुत बड़ा उत्सव होता है और पूरे जिले के भंडारा जिले के नागपुर जिले के लोग यहाँ पर आते हैं और ये पहाड़ी पूरी तरह से लाइटिंग से सजी हुई रहती है, दुकानें लगी रहती है और अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पर रहते हैं। तो हम आगे अभी नवरात्र में मिलेंगे और यहाँ पर नवरात्र का उत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है ये हम दिखाएंगे। तो इसके लिए आप बीडी न्यूज़ हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको नवरात्र के जो भी वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बीटीवी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।